चलिए बच्चों, आज हम लोग वेव बाइंडिंग डिस्कस करते हैं। वेव बाइंडिंग आपका रह गया था, ठीक है। देखिए वेव बाइंडिंग वेव माने क्या होता है? तरंग। वेव माने क्या होता है? तरंग। मतलब ऐसी बाइंडिंग जो वेव फॉर्म में कनेक्ट की जाए, ठीक है। ऐसी बाइंडिंग जो वेव फॉर्म में कनेक्ट की जाए इसको वेव बाइंडिंग कहते हैं, ठीक। मतलब कि एक कॉइल का सिरा खत्म हुआ, समझो, एक कॉइल का सिरा जहाँ खत्म हुआ वहाँ से दूसरी कॉइल का सिरा स्टार्ट हो जाए, समझो। जैसे मान लो, तो क्या हुआ, मतलब कह सकते हैं कि वेव बाइंडिंग को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जितनी भी कॉइलें हैं आपकी, किसमें करेंगे कनेक्ट? सीरीज में। समझ में आया? मतलब वेव बाइंडिंग क्या होती है? वेव के फॉर्म में होती है। मतलब कि एक कॉइल का जहाँ सिरा ख़त्म होगा वहीं से दूसरे कॉइल का सिरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कॉइल्स, इसमें कॉइल्स क्या होती हैं? सीरीज में कनेक्टेड होती हैं, ठीक। समझ में आया? वेव बाइंडिंग क्या होती है? इसमें कॉइल वेव के फॉर्म में कनेक्ट होती है। ठीक, इसमें कॉइल सीरीज में कनेक्ट होती है, ठीक। अब वेव बाइंडिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जहां पे हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, जहां पे हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए वहां पे वेव बाइंडिंग का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे? अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए वेव बाइंडिंग यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगी, आपको करंट ज्यादा मिले, इसमें क्या हो जाएगा, इस कनेक्शन में, इस वाइंडिंग में, इसमें धारा कम मिलती है, ठीक। मतलब फिटर वाले लगाए पड़े हैं और लोहा को घिसने में लगे पड़े हैं, ठीक। तो क्या है, इसमें जो हमको क्या मिलेगी, इस वाइंडिंग में हमको क्या मिलेगा, वोल्टेज ज्यादा मिलेगा और करंट आपको कम मिलेगी, ठीक है। अब वेव के भी आपके तीन प्रकार होते हैं, ठीक। एक होता है आपका सिंप्लेक्स, ठीक है, और एक क्या होता है आपका डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स, ठीक है। तो पहले हम लोग सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक। एक सिंप्लेक्स होती है, उसके बाद क्या होती है, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और ठीक। तो पहले सिंप्लेक्स समझते हैं, ठीक। देखिए क्या होता है कि टेक्निकल में क्या होता है, हर राइटर हर चीज अच्छी नहीं लिखता है। अभी आप लोग आईटीआई कर रहे हो, भविष्य में हो सकता है प्रमोशन के लिए बीटेक करो, ठीक। सेलेक्ट हो जाए तो प्रमोशन के लिए बहुत से लोग बीटेक करते हैं। तो बीटेक में जब तुम करोगे, ठीक, बीटेक करो या पॉलिटेक्निक करो, तो आईटीआई में तो एक ही बुक में सब दे दिया है। लेकिन क्या होता है कि हर राइटर, जैसे किसी ने मशीन अच्छी लिखी, जैसे आप उठा लीजिए, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में कुछ राइटर जिनकी बुकें ज़्यादा पढ़ जाती हैं, जैसे एक है, सबसे पहले राइटर है अशफाक हुसैन में, और एक आपकी बीएल थ्रेजा है, ठीक है। और मशीन के लिए एक और आती है, बीएल थ्रेजा हो गया आपका, जेबी गुप्ता की भी एक बुक आती है, ठीक। तो क्या होता है कि जब बीटेक में हम बीटेक कर रहे थे जब, ठीक है,
तो क्या होता है, जैसे मान लो हमने डीसी मोटर पढ़ लिया, डीसी जनरेटर पढ़ लिया, तो कुछ बुक में आपको डीसी जनरेटर अच्छा लगेगा, कुछ बुकों में आपको डीसी जनरेटर अच्छा लगे मिलेगा टॉपिक। जैसे एस के भट्टाचार्य पढ़िए आप, एस के भट्टाचार्य जो राइटर हैं उन वो मतलब उनका समझाने का ढंग सिंपल है, मतलब एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लो डीसी मोटर हमको समझ में आया, तो आपका अस्पाक हुसैन में अच्छा दिया है, ठीक ठीक है। और जैसे हमको ट्रांसफार्मर पढ़ना है, तो ट्रांसफार्मर आपका जो है अस्फाक हुसैन में अच्छा दिया है, डीसी मोटर आपका जैसे एस के भट्टाचार्य में अच्छा दिया है, ठीक। जैसे आपका सिंक्रोनस मोटर बी एल थ्रेजा में अच्छा दिया है। तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे, क्या करते थे, डीसी मोटर का टॉप नोट्स इस बुक से बना लिया, ट्रांसफार्मर का बुक इस नोट्स इससे बना लिया। तो ये होता है, ठीक है। तो आपका आई टी आई टी में तो एक ही बुक दे दी है, उसी में सब पढ़ना है ही है, तुम लोग इतना लेवल हाई नहीं है, ठीक। चलो फिर अब आता है आपका सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग। सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग ठीक है, चलो पहले हम बना लेते हैं मोहित। अब ये देखिए सिंप्लेक्स, ये आपके कम्यूटेटर्स सेगमेंट्स, ठीक। अब हमने यहाँ पे बनाई कॉइल, बना ली कॉइल। कॉइल कैसे बनती है, अच्छी नहीं है, आर्ट तो अच्छी लड़कियों की होती है, क्यों आपकी पहली कॉइल, ठीक। इसका ये सिरा जो है, ठीक, ये हुआ, ठीक। कनेक्ट हो गया, ठीक। अब यहां से छह जोड़ दो, छह, एक दो तीन चार पांच, एक छह, एक दो तीन चार पांच छ, सात, सातवें में ना, सातवें में जाएगा, पांच छोड़ जाएगा। अरे यार, एक दो तीन चार पांच छ सात, ठीक। ये आपने क्या है, पहली कॉइल, पहली ये आपकी कॉइल कौन सी है, पहली है, ठीक। अब इसी पे हमने क्या बताया, ठीक, हमने क्या बताया था कि जब एक क्वाइल का सिरा खत्म होगा वहीं पे दूसरी क्वाइल का सिरा शुरू हो जाएगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे दूसरे का सर कितने में जाएगा, नौ पे, देखो कितना है, एक दो तीन चार पांच छ, ठीक। तो इसी तरह अब यहां से स्टार्ट होगा, यहां से आपका दूसरी कॉइल का सूर्य शुरू हो जाएगा, ठीक। अब यहां से छह ले लो, एक दो तीन चार पांच छह, यहां पे आएगा, समझ गए, समझ में आया। मतलब ये क्या सीरीज में तो दिख रही है आपको, एक पहली कॉइल शुरू हुई, इसका एंड कहां, यहां पे हुआ, अब दूसरी कॉइल का ये भी शुरू हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही बना दीजिए सर, समझ जाएंगे। अरे तुम तो बहुत समझदार हो, और नहीं समझदार, यस। सीधे घर ही आते हो ना, कहीं रुकते तो नहीं हो, नहीं नहीं कहाँ, नहीं तुम तो आपको भरोसा थोड़ी ना हमको। ठीक, ये आपकी कॉइल कौन सी होगी, सेकंड, सेकंड मैं, ये इस तरह डिफरेंस होगा, ठीक। अच्छा, अगर आपकी, अब ये क्या होती है आपकी, ये क्या होती है, वाईपी, वाईपी क्या बोलते हैं, पोल पिच, क्या बोलते हैं, पोल पिच, भूल गए थी जल्दी, वाईपी याद था जा। अरे तुमको तो बहुत याद रहता है, ये आपका वाईपी होगा, वाईपी, ठीक। अच्छा वही,
देखिए ये इस वाइंडिंग में क्या है, कई सेगमेंट्स का अंतर है। यहाँ पे कितने सेगमेंट्स का अंतर है? छह अंतर का। यहाँ भी छह, यहाँ भी छह, ठीक। अगर आपकी ठीक, अगर आपके पोल पोल कितने होंगे? चार होंगे। अगर आपके पोल चार होंगे ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 90। जब पोल आपके चार होंगे ठीक, चार पोल होंगे तो आपका जो एंगल होगा वो कितना होगा? 100। कम्यूटेट मतलब एंगल कितना होगा? 180 डिग्री ठीक। और जब पोल हम छह लेंगे, क्या लेंगे? पोल छह लेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा आपका? 120 डिग्री ठीक। और अगर आपके पोल आठ होंगे तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये आपको याद करना है, बताया था ना वाईपी का एंगल, वाईपी का एंगल बताया था ना 180 डिग्री मोस्टली होता है। तो वही चीज समझ लो, अगर पोल आपके चार होंगे ठीक, तो क्या हो जाएगा? एंगल आपका 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आपके पोल छह होंगे तो एंगल कितना हो जाएगा? 120। और अगर पोल आपके आठ होंगे तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 ठीक है। तो ये आपकी, ये क्या हो गया? आपकी सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग होगी। समझ में आया होगा आपको ठीक। अब देखिए डुप्लेक्स में क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो आपकी सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, दो सिंप्लेक्स वाइंडिंग को उसमें हम समानता में जोड़ देंगे। डुप्लेक्स में क्या होगा कि जो आपकी सिंप्लेक्स वाइंडिंग है ठीक है, उसके दो पार्ट, मतलब एक सिंप्लेक्स एक सिंप्लेक्स, दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ये आपकी हो जाएगी डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग ठीक है। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां पे, यहां पे था, अब हम दूसरी कॉइल स्टार्ट करते हैं। चलो ये बना लेते हैं, ये आपकी इससे कनेक्ट हो गई पहले से ठीक है, दूसरे से होगी सर ठीक। ये इसका यहां से कनेक्ट हो गया, और इसका कहां से कनेक्ट हो जाएगा? इसका नो से कनेक्ट होगा। क्लियर है ठीक। डुप्लेक्स पहले वही चीज हो गया। अब इसके बाद वो थ्री दिन में पहले सर, ये दूसरी वाली जो कॉइल है उसका किससे होगा? 9 से होगा कि 10 से? 9 से। 9 से 9 से 16 तक जाएगा। अब देखिए ये आपका डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग है ठीक। अब इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें जो आपकी सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग होती है, दो सिंप्लेक्स वाइंडिंग को हम लोग समांतर में कनेक्ट कर देते हैं ठीक। सिंप्लेक्स हमने आपको बताया, अब इसमें दो कॉइल क्या करेंगे? समांतर में कनेक्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये आपकी पहली कॉइल थी सिंप्लेक्स में, यहां पहला आया ठीक, और इसका कितना 6 का डिफरेंस था सेगमेंट का, तो यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 ठीक। ये 6 का डिफरेंस हो गया तो यहां पर इसका एंड हो गया ठीक। ओके अब इसका स्टार्टिंग, इसी का दूसरी कॉइल का स्टार्टिंग कहां से हुआ? यहीं से स्टार्टिंग हो गया, यहां से 6 ले लो, 1 2 3 4 5 6 फिर दूसरे पे आ गया। समझ में आया? ये तो आपकी पहली सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग हो गई। अब दूसरी सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग कहां स्टार्ट? यहां से स्टार्ट किया ठीक। अब यहां से ले इसको 6 गुना काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 9 पे आया, कनेक्ट हुआ। इसी तरह अब इसका दूसरा सिरा जो होगा दूसरी वाइंडिंग कॉइल का, यहां से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 ये फिर आ गई ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, मतलब इसमें दो सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, और बकायदा इसमें फिगर समझा के मैंने बता दिया है ठीक है। मतलब ये कॉइल पहली हो गई ठीक, और इसकी दूसरी कॉइल क्या हो गई? ये हो गई ठीक। अब इस मतलब इसका इसी का पार्ट दूसरा ठीक। अब ये दूसरी कॉइल हो गई, इसका दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ठीक। ये आपकी क्या हो गई? डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग हो गई, वेव बाइंडिंग। अब उसके बाद आते हैं कि ट्रिप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स में भी यही होगा ठीक है। सिंप्लेक्स वाइंडिंग को, तीन सिंप्लेक्स वाइंडिंग को हम क्या करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपका क्या था? क्वाड्रर। क्वाड्रर में क्या होता है? पांच का पांच 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 को कर देंगे। तो ये आपकी क्या हो गई? वेव बाइंडिंग हो गई ठीक है।
देखिए क्या होता है, अब हम बात करेंगे कॉइल कनेक्शन की। ठीक है, कॉइल कनेक्शन। ठीक है, अभी तक जो मैं बता रहा था आपको सब आर्मेचर की वाइंडिंग बता रहा था। ठीक है, अब बात करेंगे कॉइल कनेक्शन। कॉइल कनेक्शन, ठीक। जैसे अभी विकास ने हमसे पूछा था, इसका इसमें जवाब मिलेगा। बोले थे कि सर अगर वाइंडिंग करेंगे लौट के फिर वन पे आ जाएंगे ना। ठीक, तो कॉइल कनेक्शन इसी में बात बताएंगे। ठीक है, देखिए कॉइल कनेक्शन के दो कनेक्शन, दो मेथड होते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव कनेक्शन, प्रोग्रेसिव कनेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोग्रेसिव कनेक्शन होता है। एक होता है रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन। ठीक है, बाकी कनेक्शन आपको संतोष सर करके दिखाएंगे। ठीक है, बाइंडिंग के महाज्ञाता आदमी। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं प्रोग्रेसिव कनेक्शन। पहला क्या है आपका? प्रोग्रेसिव कनेक्शन। देखिए प्रोग्रेसिव कनेक्शन क्या होता है कि इसमें कॉइल को हम क्या करते हैं, ऐसा कनेक्ट करते हैं, कॉइल को हम ऐसा कनेक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे को काटे नहीं, एक दूसरे को काटे नहीं। ठीक है, और अगर हमको जब देखेंगे तो इनका जो डायरेक्शन होगा, जैसे आपकी घड़ी होती है उस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता जाता है। तो मैं मतलब कॉइल का कनेक्शन हम ऐसा करेंगे कम्यूटेटर पर, सेगमेंट पर, कि क्वाइल एक दूसरे को ना काटे, ना काटे, और इनका जो दिशा हो आगे करने की वो क्या हो, घड़ी की दिशा में हो। ठीक है, क्या हो, कम्यूटेटर साइड की ओर देखने पर वाइंडिंग घड़ी के घूमने की दिशा की ओर आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, यही तो बताया हमने आपको। अब देखो जैसे आपकी ये कॉइल, दो क्वाइल हो गई, ये सब कम्यूटेटर सेगमेंट हो गया। वन टू थ्री, वन टू थ्री। ठीक है, अब आपकी क्वाइल कितनी होगी? दो। ये आपकी कोई क्वाइल होगी? दो। ठीक, इसका हमने पहले तो कनेक्शन कर दिया, और दूसरा क्या होगा, टू पे कनेक्शन हो गया। अब हम जब दूसरी लेंगे तो ऐसा कनेक्शन करेंगे कि ये काटे नहीं। अरे यार, ये आपका थर्ड पे आ गया। ये कनेक्शन आपका क्या कहलाता है? प्रोग्रेसिव कनेक्शन कहलाता है। मतलब इसमें कॉइल काट रही है दूसरे को? नहीं काट रही ना। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कम्यूटेटर पिच जो होती है, इसमें जो हम कम्यूटेटर पिच लेंगे, कम्यूटेटर पिच, उसको कितना लेंगे? प्लस वन। क्या लेंगे? प्लस वन लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिट्रोग्रेसिव, रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन। अब बेटा इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होगा? उल्टा होगा। भैया उसमें कह रहे थे काटो ना, लेकिन इसमें कह रहे काट दो, मतलब ओवरलैप कर दो। ठीक है, ठीक है, समझे कि इस कनेक्शन में क्या होते हैं, क्वाइल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, काटते हैं। ठीक, और उसमें क्या था आपका, घड़ी के डायरेक्शन में था। ठीक, होता है इसको क्या होता है कि आप घड़ी के में है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आप घड़ी के विपरीत में जाओगे, उल्टा चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसमें क्या था, क्लॉकवाइज चलोगे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। ठीक,
जैसे आपका सेगमेंट हम बना लेते हैं, सेगमेंट जरूरी है पहले, वन टू थ्री फोर फाइव, वन हो गया आपका, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया आपका, फाइव हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दो कॉइल बनाते हैं, ठीक। तो चलो हमने यहाँ कॉइल बना ली, एक ये बना ली कॉइल और एक कॉइल ये बना ली, ठीक। अब इनका कनेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, कैसे होगा, क्रॉस में उल्टा होगा, ठीक। लेकिन ठीक है, एक ये कनेक्शन हो गया, एक ये कनेक्शन हो गया, टू पे हो गया, ठीक। अब इसका यू क्रॉस हुआ, एक इसका क्रॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है दूसरे पे, ठीक। और अब ये थोड़ा इस तरह से बना है, ठीक है, ठीक। अब ये क्या है, ये आपका रेट्रोग्रेसिव कनेक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, क्वाइल देख रहे हो, अब ओवरलैपिंग होने की नहीं हो रही, देखो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ना, ठीक। और इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, वो एंटी क्वाइल हो, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक हो, बताओ गैप है सेकंड वाले में, किसमें क्या गैप, ये तीन वाला छुटा हुआ है, दो से चार में, हाँ। अरे इसको क्लीन कर लो यार, थोड़ा गड़बड़ बन गया ना, गैप हो गए हैं, यहाँ बना लो, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, ये हो, ये बना लो और थोड़ा इसको छोटा कर दो, अब ठीक है, अब सही है, तो भैया खत्म चैप्टर, कुछ बचा अभी, ग्राउलर बचा होगा ना, रुक जाओ यार तुम्हें बड़ी जल्दी स्टार्ट करने के लिए, बंद है स्टार्ट है। अब देखिए, अब हम आते हैं ग्राउलर, ग्राउलर से भी क्वेश्चन कुछ आते हैं आपके, ग्राउलर से भी कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं, देखिए ग्राउलर का प्रयोग हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए ग्राउलर का प्रयोग करते हैं, क्या लिखेंगे, ग्राउलर, ग्राउलर, ये इसका प्रयोग, इसका प्रयोग इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक, ओके। अब ये दो प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है आपका इंटरनल ग्राउलर, इंटरनल ग्राउलर, एक होता है आपका एक्सटर्नल ग्राउलर, अब देखो इंटरनल ग्राउलर का किसमें किस किस टेस्ट में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, टेस्ट, तुम लोगों को पता है शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, ठीक है, और एक्सटेंशन का है, ठीक। मतलब ग्राउलर, ये जितने भी ग्राउलर, जो ग्राउलर ग्राउलर है, इनका प्रयोग किसमें करते हैं ये बता रहे हैं, ठीक है, ठीक। शॉर्ट सर्किट में करेंगे, किसमें करेंगे, ओपन सर्किट में करेंगे,
शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। ओपन सर्किट में क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और क्या होता है, अर्थ टेस्ट में यूज करते हैं इसका प्रयोग, किसमें करते हैं, अर्थ टेस्ट में क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से लेकर 2 ओम तक होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 1 ओम से 2 ओम तक होनी चाहिए, ठीक। क्यों अर्थिंग हम लोग क्यों करते हैं, कि जो आपकी अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड फॉल्ट जब होती है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक। तो वो जो करंट की वैल्यू होती है वो ग्राउंड हो जाती है, ठीक है। और हम लोग अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग इसलिए करते हैं कि आपको झटका ना लगे, समझ में आया। और अगला क्या है, बैलेंस टेस्ट। ये सर क्या होता है, बैलेंस करना, बैलेंस टेस्ट, ठीक। तो ग्राउंडर का क्या है, एक विद्युत युक्ति है, ठीक है, जो क्या करती है, जस्ट इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को नापती है, ठीक। एक कितने प्रकार का होता है, इंटरनल ग्राउंडर होता है और एक्सटर्नल ग्राउंडर होता है, ठीक। अब ग्राउंडर का कहां का प्रयोग करते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट में करते हैं, अर्थ टेस्ट में करते हैं और बैलेंस टेस्ट में करते हैं। इन्होंने पूछा कि बैलेंस टेस्ट में क्या होता है, ये हम किसी दिन आपको बता देंगे, इसमें बहुत कुछ होता है, ठीक है।